May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Have a seat, please. Thank you, sir. Yes, sir. How are you, Kanika? I'm fine, sir. Are you ready for the interview? Yes, sir. Yes. अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। sure, दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो लास्ट में हर वीडियो में मैं आपको देता हूं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है डिप्टी फील्ड ऑफिसर इन कैबिनेट सेक्रेटरिएट। और आपको बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के अंदर हम बहुत से डायनेमिक क्वेश्चंस पुट अप करेंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे जो आपको बहुत बेनिफिट देंगे। और एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन हम आपको एक इंपॉर्टेंट टिप जरूर देंगे, वो आपके बहुत काम आएगा। और बताना चाहूंगा हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूंगा कनिका। कनिका, आज जो हमारा टॉपिक है ये कैबिनेट सेक्रेटरी डिप्टी फील्ड ऑफिसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इसका वर्क प्रोफाइल बताइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पुट अप करता हूं इस इंटरव्यू से रिलेटेड। श्योर सर। सर जैसे मैं बताना चाहूंगी, डिप्टी फील्ड ऑफिसर देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं। okay. और जो इनके डिफरेंस हैं वो रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन भी लगभग सारी जानकारी रखते हैं। इनका कार्य जो होता है सर वो फील्ड वर्क ऑफिस वर्क दोनों में रहता है। और जो DFO इसको जो व्हीकल सीज करने की पावर होती है इनमें, और इनका प्रेशर इनके जो इनमें जो प्रेशर होता है ना सर उनको भी वो पावर में रखते हैं। ही हैज़ ग्रेट पावर अंडर सेक्शन 52A। ये रो के टेलीकॉम और वायरलेस सिस्टम को संभालते हैं। okay. और इनमें प्रेशर में जो काम करते हैं उन्हें क्वालिटी दी जाती है। ओके, आपने बहुत अच्छे इसका वर्क प्रोफाइल बताया, दैट इज गैदरिंग इंटेलिजेंस, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस, सपोर्टिंग नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स। तो ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क मैं आपको बता रहा हूं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। अच्छा, मुझे इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस बताइए, क्या डिफरेंस? यस सर। सर मैं इन्फॉर्मेशन में बताना चाहूंगी, इन्फॉर्मेशन रो डेटा होता है। okay. और इंटेलिजेंस इसमें से निकला हुआ इन नॉलेज होता है। ओके okay. अच्छा, इनके सोर्सेज क्या होते हैं, DFO के सोर्सेज क्या होते हैं इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के? श्योर सर। सर इनके सोर्सेज होते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, बिल्कुल, सिग्नल इंटेलिजेंस और ओपन सर्विस सोर्स इंटेलिजेंस। ओके ओके। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी कहाँ वर्क करते हैं? ये सर कैबिनेट राष्ट्रपति भवन में वर्क करते हैं। ओके okay. अच्छा, कुछ चाइल्ड एजेंसीज बताइए इनकी कौन कौन सी? यस सर, श्योर। रो, SFF, SPG, NTRO। ओके, NTRO। yes, अच्छा, कुछ क्वालिटीज बताइए हमें कि एक DFO में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? श्योर sure, सर। DFO में सबसे मेन फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए ऑलर वाली रिटर्न, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइट। पॉलिसी स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बनाना भी जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें गुड रिलेशनशिप मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए। right. और कंप्यूटर का भी सर बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल सर कंप्यूटर के नॉलेज से सारे वर्क वगैरह किए जाते हैं। right. और सबसे मेन हमारी लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें हिंदी इंग्लिश हमें अच्छे से बोलनी पढ़नी व लिखनी आनी चाहिए। आपको कितनी लैंग्वेजेस आती है? सर मुझे हर प्रकार की लैंग्वेज आती है, हर प्रकार पर्सन से मैं लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ। यस सर, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती, हरियाणवी भाषा भी सर मैं अच्छे से बोल लेती हूँ। दैट्स ग्रेट, ये तो फायदा होगा हमें। अच्छा, आपके नाम का मीनिंग बताइए, कनिका मींस व्हाट? सर मेरे नाम का मीनिंग होता है गोल्ड, यानी कि माय नेम इज कनिका, माय नेम इज गोल्ड, आई एम सिमिलर टू माय नेम, आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल एंड लव चैलेंजेस। दैट्स ग्रेट। और आपकी स्ट्रेंथ्स? सर मेरी स्ट्रेंथ है मैं ऑनेस्ट और पंचुअल हूं। कोई वीकनेस आपके अंदर? यस सर, मेरी वीकनेस है कि मेरी इंग्लिश ग्रामर वीक है। ओके, आप कर रहे हैं उसके लिए कुछ? यस सर, मैं बुक्स वगैरह रीड कर रही हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह भी रीड कर रही हूँ। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप? ये द हिंदू और दैनिक भास्कर वगैरह। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, आपकी हॉबीज बताइए। सर माय हॉबी आर मेकिंग फ्रेंड्स, कुकिंग, म्यूजिक, डांसिंग, बुक्स रीडिंग, और मुझे ट्रेवल करना बहुत शौक है। चलिए, अच्छी बात है भाई। अब हमें ये बताइए कि यदि आप नई सिटी में आपको भेजा जाए तो आप अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे, वहाँ रहेंगे कैसे आप? श्योर सर, मैं सर एक फ्रेंडली नेचर गर्ल हूँ, मैं हर जगह जाके फ्रेंड्स बनाना, घूमना फिरना जाना बहुत अच्छा लगता है। इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट? इन्फॉर्मेशन सर मैं सबसे पहले वहाँ पर जाके वहाँ का माहौल देखूंगी, वहाँ के फ्रेंड्स बनाऊंगी और फिर वहाँ का माहौल देख के धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी। दैट्स ग्रेट। कनिका, DFO को सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ स्पेशल टास्क दिए जाते हैं, तो उनके नाम बता सकते हैं आप? यस सर, श्योर। साइबर सिक्योरिटी सर, और अदर नेशनल सिक्योरिटी, और क्राइम, और आतंकवादियों को नॉलेज कलेक्ट करी जाती है। ओके ओके, इनके रिलेटेड नॉलेज। यस सर। ओके ओके।
अच्छा, आपका एजुकेशन में सब्जेक्ट क्या रहा है ये बताइए थोड़ा। श्योर सर। सर मेरा एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस था और ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। क्या पढ़ा उसमें? इसमें मैंने लोकतंत्र के बारे में, राज्यसभा के बारे में, विधानसभा, प्रधान प्रतिशत, राज्यपाल, इनकी चुनौतियों के बारे में पढ़ा, इनके गठबंधन के बारे में पढ़ा, इनके वोट इलेक्शन जो होते हैं इनकी धाराएं के बारे में पढ़ा मैंने। ओके, और आपका फेवरेट क्या है इनमें? मेरे सबसे फेवरेट राज्यपाल, राज्यसभा है सर। ओके, अच्छा ये बताइए कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरपर्सन कौन है? सर इनके चेयरपर्सन है मिस्टर रवि गोबा। ओके, और कैबिनेट सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट, इनके पर्टिकुलर सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? सर इनके कैबिनेट को, इनके कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी करती है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन इंडिया? द प्राइम मिनिस्टर सर। ओके, एंड हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल पार्लियामेंट? सर द प्राइम मिनिस्टर। ओके, चलिए अब ये बताइए हमें कि हमारे पास यहाँ बहुत से कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो सब आपकी तरह ही फील्ड ऑफिसर के लिए आए हैं, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं? श्योर सर। सर मैं जो मेरे सामने आए हुए मैं उनको तो अपने आप से कंपेयर नहीं कर सकती, कुछ मेरे से आगे भी हो सकता है, कुछ मेरे से पीछे भी हो सकता है, बट मैं अपने आपको बता सकती हूँ कि मैंने अच्छे से रिसेशन पे भी वर्क करा हुआ, मेरे को कंप्यूटर की भी नॉलेज है, और मैं पॉलिटिकल जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया वो भी मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि उसके बारे में भी सारी राज्यसभा, राज्य पंचायत सबके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल के बारे में पढ़ा हुआ है, और मैं जहाँ भी काम करती हूँ एक वर्सेटाइल घर लूँ, कोल काम कर लूँ, और मैं अच्छे से अपने काम को टाइम टू टाइम करती हूँ, और कभी भी टाइम को अपने आज के काम को कल पर डिले नहीं करती हूँ। ओके, ये बहुत अच्छा बताया आपने। इवन आई लाइक दैट यू लव एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, तो ये आपकी हॉबीज भी मैच करती है। यस सर। अच्छा, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में, अलोन और इन टीम? सर मैं वैसे तो अकेला काम करना पसंद करती हूँ, फिर भी आप अगर पूछ रहे हैं, अगर मैं प्रेफर मांगती है तो मैं टीम वर्क के साथ भी काम करना पसंद करती हूँ। ओके, कनिका आपने अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया, आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं? श्योर सर। करिए। सर जैसे मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं 10th और 12th में 4th डिवीजन से पास आउट रही हूँ, और जहाँ भी मैंने जॉब या वर्क करा है तो उसमें मेरी प्रेजेंट फुल रही है। okay. तो स्कूल कॉलेज में भी मेरी 100% प्रेजेंट रही है, यही मैं मेरी यही कम चैलेंजफुल गर्ल हूँ, और ये मेरी चीज फुल करती है। ओके ओके। अच्छा, किस तरीके लोगों के साथ आप वर्क करना पसंद करते हैं और किस लोग आप पसंद नहीं करते? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ, कूल और काम गर्ल हूँ, मैं हर पर्सन के साथ वर्क करना पसंद करती हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं ये फिर बताना चाहूँगी कि मैं एक पर्सन के साथ वर्क करना नहीं पसंद करती जो टाइम के पाबंद ना हो, जो आज के काम को कल पे डिले करें। okay. और जो मतलब वर्क वगैरह पर भी अपना इतना सीरियस ना ले वर्क को लेके, और उनके साथ पसंद करती हूँ जो अपने वर्क को सीरियस लेते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं और टाइम के पूरे पाबंद होते हैं। ओके, आपके दोस्त आपके बारे में क्या कहते हैं? सर मेरे दोस्त कहते हैं मैं कि हेल्पफुल गर्ल हूँ, और जो भी काम करती हूँ उसको पूरा खत्म करके ही दम लेती हूँ, मैं चैलेंजफुल गर्ल हूँ। कोई एक क्वालिटी जो DFO से मैच करती हो आपकी पर्सनालिटी को? सर टाइम टू टाइम मैं कवर करती हूँ। ओके। यस सर। मींस यू रिस्पेक्ट टाइम? यस सर। ओके, आपने बताया था कि आपको एक्सपीरियंस भी है काउंसलिंग वगैरह का। Yes, तो ऑफिस वर्क का आपको एक्सपीरियंस, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे क्या काम आएगा? श्योर सर। सर मेरा एक्सपीरियंस आप यहाँ पर इस जॉब में ये वर्क में काम आएगा कि मुझे मैंने जहाँ भी वर्क करा है, एक तो मैंने फाइल डॉक्यूमेंट सारी मैनेजमेंट करी है, कॉलिंग वगैरह का भी थोड़ा हैंडल करा है, और मैंने आए सीनियर को अपने आए अतिथि को अपने सीनियर से मिलवाया है। हाँ, यहाँ पर भी आपको अपने सीनियर्स को हेल्प करना है। श्योर सर। और मैं हर किसी को हेल्प करने में पसंद करती हूँ, और मेरे को 2 ईयर के अबव एक्सपीरियंस है ऑफिस वर्क का। ओके। अच्छा, आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? श्योर सर। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस जॉब में कि मेरे लिए क्या क्या और स्किल्स होना जरूरी है? डेफिनेटली हम आपको सारी स्किल्स बताएंगे, इवन द इम्पोर्टेंट स्किल्स एज यू योर सेल्फ स्टेटेड कि सर आई एम वेरी पंक्चुअल और आई एम ए डिसिप्लिन गर्ल। तो सबसे पहले तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अदर देन योर एज यू स्टेटेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी स्ट्रेट, आपकी बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए बातचीत करने की, और डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। और अगर आप पॉलिसी मेकर है, पॉलिसीज अगर आप अच्छे से बना सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग है और यू कैन वर्क अंडर प्रेशर, तो मुझे लगता है ये जॉब आपके लिए बेस्ट है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। ओके, ग्रेट। कनिका, आपके मदर क्या करते हैं? सर माय मदर इज टीचर्स। फिर आपने टीचिंग में अपना करियर नहीं बनाया? नो सर, मैं टीचर को रिस्पेक्ट बहुत करती हूँ, बट मेरा हॉबी है कि बाहर लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना, नई नई जगह घूमना और चैलेंजेस पसंद करना। okay. तो मुझे लगता है DFO ये जॉब मेरे लिए चैलेंजेस पसंद है, और मैं इसको इस जॉब को पाकर अपने देश की रक्षा करना चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। yes. अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। sure, दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा जो लास्ट में हर वीडियो में मैं आपको देता हूं। आज का टिप बहुत काम का है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं हैव योर सीट,
उस समय आपका फर्ज जरूर एक बार बनता है कि आप उन्हें थैंक्स देते हैं। अब देखिए, आप जब उन्हें थैंक्स दे रहे हैं उसके बाद में आप बैठते हैं, और बैठने के बाद अगर आप दोबारा थैंक्स देते हैं तो मुझे लगता है ये सूट नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आप चेयर के पास खड़े हैं, आप उन्हें विश कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, जैसे भी आप विश कर रहे हैं, उसके बाद में वो आपको बोलते हैं हैव योर सीट, आप बोलते हैं थैंक यू सर और आप बैठते हैं। अब बैठने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए, तो इस टॉपिक पर आज मैं आपके साथ शेयर अप करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप ऑलरेडी थैंक्स दे चुके हैं, अगर आप बैठ के थैंक्स देते हैं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा लगेगा अरे बार बार थैंक्स दे रहे हैं। तो जब आप बैठ जाते हैं तो आप बोलना सर। अब आप कहेंगे सर ये बोला जाता है, तो मैं कहूंगा यस। जब आप बैठ जाए एकदम सेटल हो जाए उसके बाद आप बोलना सर। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो होता है यस सर। इसका मतलब आई एम रेडी। तो सर का मतलब ही यहां रेडी है, और यस सर का भी मीनिंग रेडी ही है। देखिए आपने क्या बोला, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, वो आपको बोलते हैं हैव योर सीट, आप बैठते हैं, और बैठने के बाद सेटल होने के बाद अपने हाथ को अपने गोद में रखने के बाद यानी कि लैप में रखने के बाद आप क्या बोलेंगे, यस सर। अगर आप कहते हैं सर यस सर बोलना है तो आप यस सर भी बोल सकते हैं और अकेले सर भी बोल सकते हैं, यानी कि गोद में रखने के बाद हाथों को कुछ कुछ ऐसे। जब आप बैठ जाते हैं तो आप बोलते हैं सर या फिर यस सर, और आपके सामने मैडम है तो मैडम या यस मैम, इसका मीनिंग होता है आई एम रेडी। बस इतना सा पॉइंट अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने इंटरव्यू में। कनिका आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, कीप इट अप, माय बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर। ओके कनिका, नाउ यू कैन गो, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।